वेलकम बैक टू चैनल गाइस। दोस्तों आज के इस न्यू एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि कृति देव और मंगल फॉन्ट में क्या डिफरेंस है, यूनिकोड फॉन्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से मंगल फॉन्ट के ऊपर आप लोग बेहतर टाइपिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग कुछ कुछ जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं जिसको हम लोग अच्छे तरीके से लिखना हम लोग समझ सकते हैं ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के टाइपिंग में आप लोग जब बैठें तो वहाँ पे आप बिल्कुल सफल हो सकें। ऐसा ना हो कि आप लोग किसी एक इन्फॉर्मेशन को अगर आप नहीं समझ सके और अचानक आप लोग एग्ज़ाम में बैठें तो थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठें और आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएँ। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, आपको पूरा हम डिटेल देंगे इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, सारा डिटेल आपको पता चलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल लेट्स गेट स्टार्ट। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं सो इस रेड कलर के सब्सक्राइबर बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बात यह है कि निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग का जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो सके, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन में आप लोग जब तैयारी करें। बात यह है कि काफ़ी लोग अभी तक कन्फ्यूजन में है कि कृति देव और मंगल फॉन्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। तो आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कृति देव और मंगल फॉन्ट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कृति देव जो फॉन्ट है वो हमारा ASCII कोड पे काम करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज के ऊपर काम करता है, और जो हमारा मंगल फॉन्ट है वो एक यूनिकोड फॉन्ट होता है जो यूनिवर्सल आपका कैरेक्टर एक इनकोडिंग होता है, जिसमें सारे मतलब कि अब जो लेटेस्ट एक इनकोडिंग कैरेक्टर है जहाँ पे अब लेटेस्ट जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग्स हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट पे वेबसाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड हो, ये हमारे प्रोग्राम बेस्ड एक सबसे बढ़िया फॉन्ट है मंगल फॉन्ट, जो हर एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, इनबिल्ट होता है, किसी भी प्रोग्राम को स्मूथ चलाने के लिए सबसे बेहतर होता है, ठीक है। आपको कहीं से कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा डिफरेंस है मंगल फॉन्ट और कृति देव में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, ठीक है, और चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि क्या एक मेजर डिफरेंस है और किस तरीके से कृति देव और मंगल दोनों काम करता है। सो हैव अ लुक। चलिए इस वीडियो में काफ़ी डिटेल करते हैं कि किस तरीके से कृति देव और रिमिंगटन गेल जो होता है या फिर रिमिंगटन CBI होता है, मतलब मंगल फॉन्ट और कृति देव में क्या मेजर डिफरेंस है। आपके सामने कुछ लेआउट देख रहे होंगे, इस लेआउट को आप लोग अच्छे तरीके से देख करके बताइए कि ये किसका लेआउट है। यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिख दिया है, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगला जो लेआउट है वो आपको कृति देव और देवलिस फॉन्ग का है, यहाँ पे जो लेआउट है उसका है। इसका भी एक लेआउट और कृति देव का दोनों का सेम होता है। ये जो लेआउट आपके सामने दिख रहा है वो इनस्क्रिप्ट फॉन्ट का है, ठीक है। इसमें और बाकी जितने भी कृति देव मंगल रिमिंगटन गेल CBI है, इसमें 100% का डिफरेंट होता है। ये इनस्क्रिप्ट टाइपिंग है, ये काफ़ी थोड़ा सा कठिन होता है स्टूडेंट को समझना, थोड़ा सा मतलब कि एक प्रॉब्लम्स का काम क्रिएट कर देता है, लेकिन हाँ उसको अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो 100% आप इसको सीख सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कि ये 30 मार्का वाला काम नहीं है, आप नॉर्मल काम है, आप कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि मंगल रिमिंगटन गेल का क्या मेजर डिफरेंस है कृति देव से। तो कृति देव में आपको जो भी और मंगल में जो अल्फ़ाबेट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं, मतलब कि आपको जो भी आप देख रहे होंगे अभी आप लोग समझ सकते हैं। और ऊपर वाले जितने भी हमारे रो हैं, फर्स्ट नंबर वाले जितने भी रो यहाँ से और यहाँ तक का है, ये काफ़ी अलग है, ठीक है, ये काफ़ी डिफरेंट है, आपको अलग दिखेगा। नेक्स्ट जो लेआउट है, अब यहाँ पे ऊपर वाला जो नंबर बटन है वो अलग है। तीसरा जो इनस्क्रिप्ट है, ये तो भैया कहिए कि आपको 100% ये सबसे अलग फॉन्ट होता है, एक लेआउट होता है जिसको थोड़ा सा इसका टाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि मेजर जो डिफरेंस है मंगल में और कृति देव में, वो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं कि कृति देव में जैसे कि कोई भी अगर अक्षर लिखना हो कि भारत एक महान देश है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब ये चीज़ हिंदी का कोई भी टेक्स्ट है, इसको हम या तो कृति देव से भी लिख सकते हैं और हम लोग मंगल से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों को जो लिखने का दोनों का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा अगर इसमें स्पेशल कैरेक्टर अगर ना हो तो,
ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर कहने का मतलब कि अब जैसे मान के चलिए कि अगर हम लिखते यहाँ पे मुक्का, तो मु अ क और का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क और क हो गया, ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर के लिए मंगल फॉन्ट जो है काफ़ी बेहतर होता है, जिसमें आपको अगर हम कृति देव की बात करें, अगर बनाना हो किस तरीके से, तो इसमें काफ़ी अल्ट कोड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अल्ट कोड आप लोग प्रेस करते करते थक जाइएगा, लेकिन अगर वही अगर हम मंगल की बात करें तो काफ़ी आसानी से इसमें मंगल में आपको अल्ट कोड का कोई झंझट नहीं होता है, आसानी से इसको आप अच्छे तरीके से आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मंगल फॉन्ट में अगर किसी भी शब्दों को अगर आपको आधा करना होता है, जैसे कि हमें जैसे कि क लिखना है फिर आधा क लिखना है, तो उसमें एक हलंत का सिस्टम होता है। जैसे आप हलंत लगाते हैं, ठीक है, आप प्लस साइन जैसे ही देते हैं तो वो कोई भी जो लेटर है वो आधा हो जाता है। अगर संयुक्त करना है तो आप उसी लेटर को टाइप कर दीजिए क और साथ में क और एक को हलंत लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कि एक साथ संयुक्त हो जाएगा क में क। अगर वही हमको लिखना है कि द और इसमें भी द लिखना है ऐसे द में द, तो अगर ये कृति द्वय में लिखे तो इसमें काफ़ी अल्ट कोड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वही अगर हम मंगल की बात करें तो विदाउट अल्ट कोड हम आसानी से लिख सकते हैं। तो मंगल फॉन्ट काफ़ी बेहतर है, आप लोग ट्राई करिएगा, जो लोग सीख रहे होंगे वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो मेजर तो जो डिफरेंस होता है वो हलंत का होता है, ठीक है, हलंत। तो ये हलंत देना सीख जाइए, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। अब जैसे सोच लीजिए कि अगर हमें लिखना होता है कि कृति द्वय में क्या लिखना होता है, क्र लिखना होता है, तो हमें क्या करना होता है, अल्ट के साथ में 216 बटन दबाना होता है, ठीक है, तब जा करके क्र आता है। लेकिन वही अगर हमें सिर्फ ये इसमें लिखना हो मंगल में, तो हम लोग को क्या करना होगा, सिर्फ क लिख करके और जेड बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो क्र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो कृति द्वय में भी होता है, क लिख करके और जेड दबाते हैं तो क्र हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखेंगे स्पष्ट रूप से वो क्र नहीं होता है, वो मतलब कि इस तरीके से होता है जैसे कि वो लगेगा कि अटपटा टाइप पे लगेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग इसमें अगर टाइप करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से टाइप हो जाता है। तो मंगल फॉन्ट काफ़ी बेहतर है स्पेशल कैरेक्टर के लिए। जैसे कि अब हमको लिखना है हृदय, हृदय, तो यहाँ पे ह लिख करके और ऐसे होता है, ठीक है, और द या लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कृति द्वय में आपको माथा पटकना पड़ेगा, अल्ट कोड याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आपको मंगल की बात करें तो कुछ नहीं करना है, आप लोग बस आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। जैसे क्या करना हो कि बस उसको आप टाइप कर दीजिए, जैसे कि दिखाते हैं कि हृदय लिखना हो ऐसे लगाना हो हृदय, ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि आप वो ह लिख करके और प्लस बटन जैसे ही दबाते हैं आपका हृदय लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्ड्स बनाने के लिए काफ़ी बेहतर है मंगल फॉन्ट, ठीक है। और उसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं कि बेकार फॉन्ट है, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी बेहतर फॉन्ट है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं भी इसको अच्छे तरीके से जब समझा तो काफ़ी बेहतर है। जिनके पास में हिंदी का अगर अक्षर और व्याकरण अगर उनको आता है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको टाइप कर पाएंगे, ठीक है। ये शुद्ध हिंदी टाइप करता है, ऐसा नहीं है कि आपको कृति देव का जैसा एक एक अक्षर अलग अलग अल्ट कोड के साथ में स्पेशल कैरेक्टर करना हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना हो चांद, ठीक है, तो चांद लिखना हो तो कृति द्वय में क्या है कि ये चांद वाला जो ऊपर में जो चंद्र बिंदु जो आता है, इसके लिए आपको काफ़ी मगजमारी करना होगा। लेकिन वही अगर मंगल फॉन्ट की बात करें तो कुछ नहीं करना है, बस प्रेस कर देना है, यहाँ पे बस W प्रेस करेंगे और A प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चांद आ जाएगा और ऊपर में ये बिंदु आ जाएगा, तो ये चांद आपका लिखा, जैसे चा लिखना है पहले W प्रेस करिए फिर A लगा दीजिए, चांद लिखा जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको सामने, आपको शायद बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं, सबसे पहले आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में सेटिंग कर लेते हैं सारी चीज़ों को, उसके बाद में, ठीक है, हम पहले कृति देव से शुरू करते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम कृति देव से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हमें लिखना है क्रमांक, देखिए अगर हम जेड दबा दिए तो किस तरीके का हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अगर वही अगर हमको क्र लिखना हो तो अल्ट कोड लिखना होगा, अल्ट 0216 लिखना होगा तब आएगा क्रमांक, ठीक है। अगर हम सेम चीज़ अगर लिखते हैं कृति देव में, सॉरी मंगल में, तो मंगल के लिए हमें क्या करना होगा, क लिखना है और बस जेड जैसे ही हम दबाएंगे, जेड दबाएंगे वो ऑटोमेटिक हो गया ऐसे क्रमांक, हमें कुछ अल्ट कोड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
उसी तरीके से अगर लिखना है, अगर किसी भी चीज़ को चांद लिखना है तो चा लिख दीजिए, डब्लू दबा दीजिए और ए दबा दीजिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ में, तो ऑटोमेटिक चा ऊपर चंद्रबिंदु हो गया, ठीक है। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं इसमें, मंगल फॉन्ट में स्पेशल कैरेक्टर लिखने के लिए काफ़ी बेहतर है। अब लिखना है ह में, ह में न लगाना है, मान लीजिए कि ह लिख करके और न लिखेंगे और हलंत लगा देंगे, ठीक है। हनन जैसे कि लिखा जाता है ह न न न, ठीक है, हनन हो गया। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर यूज करना होगा, जैसे कि विश्वास लिखना है तो विश्वास आपको लिख, विश्वास आप लिख दीजिए, ठीक है। क्रम आपको क में क लगाना है तो क लिख दीजिए, हलंत लगा दीजिए, क लिख दीजिए, आधा क क हो गया, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा लेआउट आपको कुछ अटपटा दिख सकता है तो आपको उसको घबराना नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हृदय लिखना है तो हृदय, ये देखिए इस तरीके से हो गया। लेकिन आपको अगर वही अगर कृति देव में लिखना हो हृदय, तो आपको अल्ट कोड याद करना होगा कि ये कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतर फॉन्ट है। और भी ऐसे कुछ कठिन शब्द हैं जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम इसको, मतलब कि बस आपको यहीं पर स्किप करना पड़ेगा हमें, नहीं तो अगले वीडियो के लिए आप लोग बने रहिएगा। और अगले वीडियो हम इसी तरह का जो भी अलग अलग फॉन्ट होता है उसको हम टाइप, तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आप लोग को मंगल फॉन्ट में किस तरीके से टाइपिंग करना है, अक्षर को किस कैसे किस तरीके से आप लोगों को बनाना आना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो कृति देव और मतलब कि मंगल फॉन्ट में आप लोगों ने देखा कितना डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, रेगुलर वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा और दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं आप लोग, इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।